हाय एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझ लिए थे. नाउ इन दिस वीडियो एक्चुअली आई वांटेड टू स्टार्ट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट वो स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन SN1 मैकेनिज्म ओनली. ठीक है, SN1 मैकेनिज्म का ही पार्ट है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. तो पहले हम कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स. ऑलराइट, तो पहले तो यही देखते हैं कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता क्या है. देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म देखे SN1 एंड SN2, वहां पे SN2 में तो कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म होता ही नहीं है. वेयर एज इन SN1 हमारा एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. राइट, अब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे वेरी करती है. 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और लीस्ट स्टेबल हमारा होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन. राइट, तो ये हमारा हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो अगर तुम्हारी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कि तुम्हारा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो SN1 मैकेनिज्म में ही हो. ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जिसमें तुम्हारा एक कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, वहां पे तुम्हें ये पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या तुम्हारा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तब उस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. तो इसको बेटर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो SN1 के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं ऑन एन एल्काइल हैलाइड. राइट, तो यहां पे मैं एल्काइल हैलाइड लेती हूं 2-bromo-3-methyl-butane मेथ एथ प्रॉप ब्यूट. तो मैंने लिया 2-bromo, सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमो, थर्ड पोजिशन पे मिथाइल एंड ब्यूटेन. तो इस चेन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3 CH CH एंड CH3. तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं विद अ न्यूक्लियोफाइल, लेट से मैंने ले लिया OH-, तो यहाँ पे जब SN1 रिएक्शन होगी तो हम क्या सोचेंगे कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा. देखो, सिंपली तुम Br- को हटा के और उसकी जगह OH- रख देते थे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता था, CH3 CH CH3 CH OH एंड CH3. राइट, तो ये क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. बट यहां पे कुछ और ही होता है मैकेनिज्म में. देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये बहुत कम परसेंटेज में फॉर्म होता है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्म होगा. राइट, बट यहां पे इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो बहुत ज्यादा परसेंटेज में फॉर्म होता है. तो क्या होगा वो प्रोडक्ट, देखो यहां पे जो OH है वो इस वाले कार्बन एटम पे अटैच हो जाता है, तो हमें मिल जाएगा COH CH3 CH2 then CH3. तो ये वाला जो होता है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है और ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ये हम समझेंगे यूजिंग द मैकेनिज्म. राइट, तो SN1 मैकेनिज्म में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेंगे. होता क्या है, यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा. राइट, और एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH CH3 CH+, और यहाँ पे है CH3. ठीक है, तो ये कौन सा वाला कार्बोकेटायन है. देखो, इस कार्बन आटम से हमारे 2 कार्बन चेन्स और अटैच हैं, सो दिस इज आवर सेकेंडरी कार्बोकेटायन. तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सेकेंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आके
इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है. तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH+ and CH3. इस पे आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH. यहां पे अटैच हो जाएगा OH और ये आ गया हमारा CH3. ठीक है, देखो ये वही प्रोडक्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉर्म होगा, राइट. बट ऐसा क्या हुआ बीच में मैकेनिज्म में कि ये तो हमारा बहुत कम अमाउंट में बना और वो जो दूसरा वाला बन रहा था वो मेजर प्रोडक्ट बना. ठीक है, तो अब वो चीज समझते हैं. तो देखो यहां जब हमारा कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई, यहां पे ही हमारा बन रहा था एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन, राइट. तो अब हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन किसी और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं, किसी और स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज हो सकता है या फिर नहीं. तो देखो यहाँ ये सेकेंडरी कैपेबिलिटी रखता है टू रीअरेंज इटसेल्फ इनटू अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन. कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमने देख लिया है, अब मेजर वाला प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं. तो देखो यहां होता क्या है, ये जो कार्बन एटम पे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है ऑन टू दिस कार्बन एटम. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, इस कार्बन एटम पे, देखो इस कार्बोकेटायन के जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे हमारा एक हाइड्रोजन रह जाए, राइट. तो ये वाला हाइड्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन्स लेके पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऑन टू दिस कार्बोकेटायन. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके शिफ्ट हो रहा है ऑन दिस कार्बोकेटायन. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. इसे हम कहेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये 1 है, इसको हमने 1 बोल दिया, और जिस पे ये शिफ्ट हो रहा है यानी कि कार्बोकेटायन वाला कार्बन है उसको हमने 2 बोल दिया. ठीक है, तो हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है, H माइनस का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड पोजिशन, इसीलिए हम इसको कहेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, अब देखो जरा जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पे शिफ्ट हो गया, तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट. इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया और यहां पे आके हाइड्रोजन चिपक चुका है. और इस कार्बन एटम ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इसको, तो इस कार्बन एटम पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो देखो जरा हुआ क्या, यहाँ पे कार्बोकेटायन जो था वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, लेकिन जैसे ही 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, जैसे ही ये रीअरेंजमेंट हुआ, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन एटम पे. तो देखो जरा ये किस टाइप का कार्बोकेटायन है, इस कार्बन से तुम्हारी 3 कार्बन चेन्स और अटैच हैं, सो दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकेटायन. तो हमारा कार्बोकेटायन ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है फ्रॉम इट्स 2 डिग्री फॉर्म टू इट्स 3 डिग्री फॉर्म. कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया, H माइनस का हमारा यहाँ शिफ्ट हो चुका है. ऑलराइट, तो अब इससे हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट. देखो ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शरी कार्बोकेटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल, टर्शरी कार्बोकेटायन. तो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा. ठीक है, जो हमने सेकेंडरी से प्रोडक्ट बनाया वो माइनर होगा, जो हम इससे बनाएंगे वो मेजर होगा. तो सेकेंड स्टेप में OH माइनस ने अटैक कर दिया और हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया ये OH CH3 CH2 एंड CH3. ठीक है, This is going to be our major product. तो यहाँ पे हुआ क्या,
यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 3-bromo-2-2-dimethylbutane, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो 3-bromo एंड 2-2-dimethyl, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल एंड मिथाइल, ठीक है। तो ये मैंने लिया एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे विद अ न्यूक्लियोफाइल OH-। तो सेम ही चीज होने वाली है, हम यहां पे लिखेंगे एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और दूसरा हम लिखेंगे एक मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो एक्सपेक्टेड कौन सा हो जाएगा हमारा, इस OH- को बस तुम्हें Br की जगह लिखना है, तो ये बन जाएगा CH3CHOH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 एंड CH3, राइट। दिस इज गोइंग टू बी आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे यहां पे, देखो जरा, जो OH होगा वो अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन एटम पे, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां एक लग जाएगा CH3, साथ में ये हो जाएगा C, इस पे आ जाएगा OH CH3 एंड CH3, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आर मेजर प्रोडक्ट। अगेन हम इसको मैकेनिज्म से ही समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फाइन। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहां पे CBr बॉन्ड को ब्रेक कर दो और कार्बोकेटायन फॉर्म करो CH3CH प्लस यहां पे CH3CH3 एंड CH3, ठीक है। तो अगर इसी पे तुम अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप में अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वाला CH3CH OH C CH3 CH3 CH3, राइट। ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। देखो माइनर क्यों है ये, यहां पे देखो कौन सा वाला कार्बोकेटायन है, इस कार्बन एटम से दो कार्बन चेन्स अटैच हैं, सो दिस इज आर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन को एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेंगे और उससे अपना मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, राइट। तो देखो जरा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिटा रही हूं मैं, अब यहां पे दिखाएंगे हम रीअरेंजमेंट। देखो इस केस में रीअरेंजमेंट कैसे होगा, सेम ही है, यहां पे जो कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन है उसको मैं 1 बोल देती हूं और इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन को मैं 2 बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहां पे देखो जो 1 वाला कार्बन है इसके पास अब कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, बट इसके पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इस केस में हम मिथाइल को शिफ्ट करवाते हैं ऑन टू आर कार्बोकेटायन। देखो ये मत कर देना कि यहां से हाइड्रोजन उठा के इस पे शिफ्ट कर दो, अगर तुम यहां से हाइड्रोजन उठा के इस पे शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हारा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखो अगर तुमने ये उठा के यहां शिफ्ट कर दिया तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो इसका क्या फायदा, हमें लेस स्टेबल थोड़ी बनाना है, हमें तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाना है, राइट। तो देखो मैंने इस मिथाइल ग्रुप को पूरा उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो इसी को हम कहेंगे 1-2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट की वजह से देखो जो हमारा कार्बोकेटायन नया वाला बना वो कैसा बन रहा है, CH3CH, अब इस पे मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया और इस पे चिपक गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। और क्योंकि इस कार्बन एटम ने तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अपने ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो दे दिए,
तो इस पे अब आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां आ गया पॉजिटिव और ये तुम्हारे एज इट इज, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, ये वाला कार्बोकेटायन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 3 कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो हमने 2 डिग्री से एक ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर ली है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कैसे हुआ रीअरेंजमेंट? थ्रू दिस 1,2-methyl शिफ्ट। अब इस पे तुम अपना OH माइनस का अटैक करवा दो, ये यहां पे अटैक कर देगा और तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है ये, बस तुम्हें ध्यान रखना होता है कि क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। जहां पे भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तुम्हें वहां पे करवाना पड़ेगा और मेजर प्रोडक्ट में अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है अगर तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना जब भी तुम मैकेनिज्म SN1 का करवा रहे होगे, राइट। सो दिस इज इट अबाउट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।